इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। इंबरुलाइट सिरप को खाने के साथ लेना चाहिए। बेहतर नतीजों के लिए इसे हर दिन एक ही समय लेने की सलाह दी जाती है। दवा की डोज और आप इसे कितनी बार लेते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं। आपका डॉक्टर यह तय करेगा कि आपको अपने लक्षणों में सुधार करने के लिए कितनी आवश्यकता है। यह सलाह दी जाती है कि इसे अपने डॉक्टर के परामर्श के बिना 14 दिनों से अधिक समय तक उपयोग न करें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में उल्टी, जी मिचलाना और पेट खराब होना शामिल है। अगर आप साइड इफेक्ट से परेशान हैं या उनमें कोई सुधार नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आमतौर पर इलाज के दौरान शराब न पीने की सलाह दी जाती है। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर या किडनी की बीमारी है या आपको पेट में परेशानी है तो अपने डॉक्टर को बताएं। आपके डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी जानना चाहिए जो आप ले रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई इस दवा को कम प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। अगर आप गर्भवती हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो इस दवा को लेने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इंबरुलाइट सिरप के लाभ। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद विसिड म्यूकस। इंबरुलाइट सिरप से गाढ़े म्यूकस को पतला करने में मदद मिलती है, जिससे खांसी से छुटकारा पाना आसान हो जाता है। इससे हवा अंदर लेना और बाहर निकलना आसान हो जाता है। इससे आपको छाती में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और खांसी जैसे लक्षणों से राहत मिलेगी और आपको अपने रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में मदद मिलेगी। यह दवा सुरक्षित और प्रभावी है। आमतौर पर कुछ मिनटों के भीतर काम करना शुरू करता है और इसका प्रभाव कई घंटों तक रहता है। इसे डॉक्टर द्वारा पर पर्ची में लिखे गए अनुसार लें। जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक इसका इस्तेमाल बंद न करें। यह दवा लेने से आप लक्षणों की चिंता किए बिना बेफिक्र होकर अपनी जिंदगी जी सकते हैं। इंबरुलाइट सिरप के साइड इफेक्ट। इस दवा से होने वाले अधिकांश साइड इफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इंबरुलाइट के सामान्य साइड इफेक्ट। उल्टी, मिचली आना, पेट खराब होना। इंबरुलाइट सिरप का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस्तेमाल करने के पहले लेवल की जांच कर लें। इसे मापने वाले कप से मापें और फिर पिएं। इस्तेमाल करने के पहले अच्छी तरह से हिलाएं। इंबरुलाइट सिरप को भोजन के साथ लेना बेहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।